राम राम जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइशा मोम व्लॉग्स में। तो अभी अभी भी पार्सल आया है एक, और आपको बता देती हूँ कि वाणी का बर्थडे है 21 तारीख को, तो उसी के लिए मैंने फ्लिपकार्ट पे से ये कुछ मंगवाया है। और ये तो आपको पता चलेगा उसके बर्थडे वाले दिन, क्योंकि वही खोलेगी, तो आप लोगों को मैं नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम इसको खोल रहे हैं, और नायशा के पापा आज सुबह ही आए हैं, और भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, भाई बाहर रहते हैं क्या? हाँ भाई, तो मैं आपको बता दूँ, आज मैं आप सभी के कमेंटों के जवाब दे देती हूँ। हाँ भाई, बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, एक वन वीक में घर आया करें हैं ये, तो भाई ठीक है। और गुड़गांव रहते हैं भाई, फायर जो डिपार्टमेंट में है उसमें जॉब करते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो भाई आई होप अपने सभी के आपके आंसर मिल गए होंगे। और भाई कई कह रहे थे भाई अपना कैसे रह लेते हो हस्बैंड के बिना, तो भाई देखो वो क्या करें, एक मजबूरी सी हो जाए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो हमने कर दी है इसकी पैकिंग, और आप भी भाई सोचना क्या है इसके अंदर, कमेंट करके बताना भाई, ठीक है, कि क्या हो सकता है इसके अंदर। और व्लॉग ज़रूर देखियो भाई उसके बर्थडे वाले दिन, उसी दिन आपको पता चलेगा कि भाई मैंने क्या गिफ्ट किया है। तो भाई अभी बज गए थे 4:30 का टाइम हो गया था शाम का, और नायशा के पापा अभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई वो उठते ही वो मतलब कुछ ना कुछ तो खाएंगे, तो मैंने सोचा आज उनके लिए पकोड़े बना देती हूँ। और आज सुबह ही वो पालक और वो लेके आए थे धनिया, तो बस फ्रेश थे, मतलब फिर आलू कट किया, प्याज कट की, और धनिया और जो हमारा पालक था वो कट किया, और मिर्च भी मैं डालूंगी नहीं क्योंकि फिर नायशा भी खाएगी, तो मैंने नमक और हल्दी मतलब अपने ये थोड़े मसाले डाल दिए हैं, और बिल्कुल सिंपल से बनाऊंगी पकोड़े, और साथ में बनाऊंगी भाई कॉफ़ी। मैंने दूध की थली निकाल दूध निकाल दिया है थली में, तो साथ में कॉफ़ी बनाऊंगी। और वही है भाई मेरा तो मतलब एक दिन आवा है, तो यूँ सोचू हूँ यो भी बना के खिला दूँ, वो भी खिला दूँ, भाई हो वही है। आप सब भी बताइए भाई, जो भी वाइफ है भाई, आप भी ऐसा ही करते हो क्या? मतलब यही हुआ है भाई, ये भी बना दूँ वो भी बना दूँ एक दिन में। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉफ़ी भी साइड में रख ली है, और ये पालक है, ये धनिया है सुबह लेके आए थे, और यहाँ पे अब मैं बनाने लग गई हूँ भाई पकोड़े। तो आप लोग भी आ जाओ भाई, स्वागत है आप सभी का। तो ये देखो, और एकदम भाई कुरकुरे सच्ची में मस्त बने थे, और ये वॉइस में बाद में ऐड कर रही हूँ भाई, ठीक है, तो सच्ची में बहुत टेस्टी बने थे, और बिल्कुल मतलब यूँ लग रहे थे। और मिर्च भी मैं नायशा के लिए ऐड नहीं करती, मतलब इसके भाई ये भी खाती है फिर। तो ये देखो बने हैं ना बिल्कुल कुरकरे। तो भाई चैनल पर नए हो ना तो एक बार भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल ने, जल्दी तय 11,000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो भाई अपने चैनल पर। और भाई अभी पकौड़े पकौड़े चाय चुई पीने के बाद में हो गया था शाम का टाइम, मतलब शाम के खाने का टाइम। तो यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ धनिया हरी मिर्च और लहसुन और टमाटर की चटनी बनाने, क्योंकि वही है भाई सब्जी, तो ये वहाँ पे भी बना ले हैं, मतलब कुछ ऐसा बना के खिलाओ भाई, ठीक है, तो इसीलिए मैं इनके लिए चटनी बना रही हूँ यहाँ पे। और यही है मेरा तो भाई, ये भी खा लो वो भी खा लो भाई, होता ही है एक वाइफ भी समझ सकते हो आप। तो ये देखो भाई चटनी हमारी बन गई है तैयार, और साथ में नायशा बैठी थी, वो भी कभी इधर चम्मच से कभी उधर कर रही थी। तो भाई कैसी लगी आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब।